कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना जी? खुश हैं ना? मज़े में है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? मज़ा आ रहा है ना? सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक का यूज करके, है ना? दम ट्रिक क्या हो? जो हम चीज़ सीख लेते हैं अच्छे से ना, उस पर कमांड हमारी हो जाती है, और कमांड हो जाती है तो उसी को लोग ट्रिक करना शुरू कर देते हैं। तो कोई ख़ास ट्रिक नहीं होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है, ठीक है ना? और बस जाने के बाद वो हम लोग जल्दी बना पाते हैं, और जल्दी बना पाते हैं तो उसको लोग क्या कह देते हैं, वो ट्रिक। ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो हमने एसएससी का कॉमनर का जो ये सेट चला रखा है, सीरीज चला रखा है, उसी का ये अगला सेशन है। शायद 28 डेज है ना, मैंने 28वां दिन हम लोग 30 क्वेश्चन का सेट लेके चलते हैं, ठीक है? फिर भी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा और समय लेना है, ठीक है? उधर देखिए, साइनोनिम्स का वीडियो अपलोड हो गया कल, है ना? आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? अलग तरीके से उसको हमने पेश किया है आप लोगों के सामने, ठीक है? और ये अगला फिर से आ गया आपके सामने, ठीक है? कॉमनर का सेट, इसको बढ़िया से पढ़ोगा वो, ठीक है? जो भी नया लगे ना, उसको अलग से कॉपी में लिखिए, ठीक है? और कुछ वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम होता है, उसको भी अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं बाबू, आज का क्वेश्चन है हमारे सामने, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज टू कैट्स। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है, दो बिल्लियाँ हैं, वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट अमंग देम। देखिए, दो के लिए, टू पर्सन्स के लिए, क्लियर? टू पर्सन्स के लिए ये हमेशा के लिए क्या लेता है बाबू? बिटवीन। और जब दो से अधिक होने लगते हैं लोग, तब हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? अमंग, क्लियर? तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए बाबू? बिटवीन यूज होना चाहिए ना? वहाँ देखिए, हमने अमंग लिखा, गलत है, क्लियर? चलिएगा, देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इन सबसे पहले देखिए, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे करोगे तब ना, जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे जाएगा, हैं? अरे पहले करके देखिए, ठीक है ना? हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, ठीक है? आप उसको यूज करें, निश्चित तौर पर रहें, निश्चिंत रहें, आपका एसएससी निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर? अभी 2021 में जितने भी परीक्षाएं एसएससी की होनी है, आप मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करो, देखो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे नहीं आया तो कहना, ठीक है? देखें, आई वेंट टू सी द ताजमहल, है ना? आई वेंट टू सी द ताजमहल इन ए मूनलाइट नाइट, सही है? ये मूनलाइट कौन सी नाइट थी ये तो पता नहीं था, इसी वजह से हमने ये यूज किया, सेंटेंस हमारा सही है, क्लियर है ना? इसमें ना सिंटेक्स का कोई प्रॉब्लम है, ना कंटेक्सुअली कोई प्रॉब्लम है, सुपर फ्लस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है बाबू, क्या है देखेंगे आप? कहता है द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग। देखिए इधर, ये टेस्टिंग जो है ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है बाबू? जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है ना, उसे हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी वर्ब जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, वो वर्ब ऑफ परसेप्शन होगा, और वो अपने चौथे रूप में नहीं लिखा जाएगा, यानी उसके अंत में हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो जीभ से टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्टिंग क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर दें, टेस्टेड कर देते हैं, हमारा सही हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखिएगा बाबू, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड ए शैडो ओवर इलेक्शंस। नहीं लग रहा कोई गलती है? लग रहा जैसे सब तो ठीक ही है, फिर वी टू ही यूज कर दिया तो क्या दिक्कत है? लेकिन कास्ट का तीनों पोर्शन कास्ट 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 ही होता है ना, कास्टेड नहीं होता है, क्लियर है ना? तो आप यहाँ पर कास्ट कर लो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई हैव गॉट योर लेटर अस्टरडे। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्या टर्म है, अस्टरडे है। पिछले वीडियो को जो लड़के मेरे देख रहे हैं या फिर जो रेगुलर टच में हैं, ठीक है ना, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि सर क्या है, हमारे सामने दिया गया अस्टरडे, या फिर हमको दिया था लास्ट, पास्ट, अगो, प्रीवियस, ये सब टर्म दिया जाता, तो सेंटेंस ऑब्वियसली पास्ट में चला जाता है। जब पास्ट में चला जाता है तो यहाँ हैव के लिए जगह नहीं है, क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सैम इज वर्किंग इन ए बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट
फाइव ईयर्स पास्ट को देख के सेंटेंस को मेरा पास्ट में तो डालना ही होगा हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर लगा हुआ था जो हमें दर्शाता है कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वो पास्ट को लेते हुए हैड बीन, क्लियर। यदि हैड बीन कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। दम कॉन्सेप्ट है कि फॉर लगा हुआ है तो सेंटेंस मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और वो पास्ट की वजह से सेंटेंस मेरा किस में चला गया बाबू, बोलिए। ये मेरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया और इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप, बताइए। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, हमने क्या बोला है कि कोप अप नहीं होता है, क्या होता है बाबू, कोप विथ होता है और सेंटेंस सही हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ कोप विथ कीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इफ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। याद कीजिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आई के साथ भी हमको क्या यूज करना चाहिए बाबू, वेयर। यहाँ पर वाज का यूज गलत है, क्लियर। चलिए क्लियर है, सेंटेंस सही हो जाएगा ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सामने आ गया है, द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट टू बोरो। देखिए इधर एडवाइस अपने साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लेता, डायरेक्ट क्या होगा, एडवाइस द स्टूडेंट्स टू बोरो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन थ्री ईयर्स, क्लियर है। याद रखिएगा एडवाइस अपने साथ प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। ये देखिए तो सही है ना, ये आपने साथ ऑन लिया ये भी सही है, हिज गोइंग सही है, देयर इमीडिएटली ये भी सही है, तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, क्लियर है, नो एरर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी हैव बीन नोइंग। देखिए इधर नो भी जो है ना वो वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत आता है, और वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत आने के बाद क्या होता है बाबू, उसका आप चौथा रूप नहीं लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने का मन ही है तो आप क्या कर दें, या तो विंग नो कर दें या फिर डायरेक्ट इसको चेंज कर दें किस में बाबू, नोन में, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नाइदर क्या कहता है, नाइदर ऑफ द टीम आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। देखिए नाइदर वाला कंडीशन में क्या होता है ना कि इसके बाद वाला सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन में सही, यानी यहाँ आर का यूज भी सही ही माना जाएगा, तो सही है, तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर हो गया आपका आंसर, क्लियर है ना। याद रखिएगा नाइदर के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्या आया है कि भाई कहीं उसको एक्सीडेंट के बारे में सुनाई दिया है और उसके लिए वो बड़ा ही दुखी महसूस कर रहा है, हम भी दुखी महसूस कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं देता है, तो एसएससी के खिलाफ तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है ना बाबू। देखिएगा यहाँ पर कहता है कि वेन वन हियर्स ऑफ द एक्सीडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, ये कौन सा प्लेन क्रैश किया, कौन सा प्लेन क्रैश किया, कहाँ किया, इन सब बातों की जानकारी नहीं ना है। जब नहीं जानकारी है तो द लगाना चाहिए, नहीं ना, जब तक आप कंफर्म नहीं होते हैं द कभी होता है नहीं ना बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिएगा सबसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट, सबसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट क्या है बाबू कि देखिएगा विथ अ व्यू टू, इसके बाद हमेशा कोई वी फोर होगा, वी फोर कहें या फिर जीरंड कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये सर्वे को हटाइए, क्या हो जाएगा बाबू, सर्वेइंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आई हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर ए वीक। देखिए फॉर लगा हुआ है ना, फॉर लगा हुआ है ना, तो फॉर लगा हुआ है तो सेंटेंस मेरा किस में जाएगा बाबू, बताओ आप, परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा कि नहीं जाएगा। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो हमको क्या लगाना चाहिए, हैड बीन, क्लियर, लाइंग इन द क्लोजेस्ट, क्लियर है ना। जब सेंटेंस मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया तो हैड बीन लगाना ही होगा ना, और हैड बीन है जो क्या मांगेगा, वी फॉर मांगेगा, तो लाइंग होना चाहिए, क्लियर है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिर्फ देखने के लिए है, वो बिफोर लगा के आपको फंसाना चाह रहा था कि द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम वाला कंडीशन, समझते हैं ना,
वो करके आपको दिखा रहा था। एक वैसा नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक फॉर भी आया था, सिंस भी आने पर, फॉर भी आने पर सेंटेंस अपने आप हमारा क्या हो जाता है बाबू, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है, टू गिव विटनेस। याद रखिएगा विटनेस मतलब होता है गवाह, तो गवाह देने के लिए नहीं, यहाँ पर एज ए एविडेंस का यूज ना कर रहे हैं हम लोग। सबूत ना कोई देगा जी, क्या देगा? सबूत देगा ना, तो क्या होना चाहिए था? टू, तो इसको को इन द कोर्ट एज ए, यदि हम लोग विटनेस यूज करते तो ज़्यादा बेहतर होता है ना, वह कोर्ट में क्लियर गवाह के रूप में प्रेजेंट था। और एज का कॉन्सेप्ट है ना कि एज के बाद दो शब्द को यूज करके सेंटेंस खत्म, तो एज के बाद देखिए दो शब्द हमने किया यूज, सेंटेंस मेरा खत्म हो गया। तो टू गिव को हटाइए, क्लियर है ना, और एज ए लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं। इससे इजी सवाल, इससे प्यारा सवाल, आसान सवाल हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? देखिए तो ही लाफ्ड है, तो ये कन्फर्म रहता है कि अपने साथ क्या लेगा, एट लेगा, तो इससे इजी सवाल हो सकता था है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? किया है, नहीं किया तो कर लें आप, क्लियर है ना। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, है ना बाबू, क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना, मज़ा आ रहा है ना, है मज़ा आ रहा है ना, तो मज़ा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा करें क्या, क्लियर। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर इतना करें कि आपके मित्रों को भी इससे जुड़ने का मौका मिले और घर बैठे ही हमारी एसएससी की अच्छी तैयारी हो जाए। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कितना ये पिछले ही वीडियो में हुआ है ना कि रिपोर्टर पुलिस से कोई भी इंफॉर्मेशन उगलवा पाने में असमर्थ हुए, क्या तो इलिसिट बने गैर कानूनी कीजिएगा जी, उगलवाना होगा जी। यहाँ पर कोई टर्म उगलवाने के लिए इलिसिट ही होता है, लेकिन ये वाला और ये गलत है, क्लियर है ना, है ये एकदम कॉन्सेप्ट है, ये वाला को ध्यान में रख लें आप और लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, हम पूरे का जवाब आपको देंगे, ठीक है ना। बहुत मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बाबू, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, जो भी आपको थोड़ा सा अलग लगता है या फिर आपको लगता है केवल हम नहीं जानते थे, उसको तुरंत नोटबुक में क्या करो आप, राइट डाउन कर लो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे जी क्या होगा भाई, बता दो आप ही हैं, इसी के हम तो कहते हैं पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कीजिएगा तब ना मज़ा आएगा जी। बीच बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन भी आएगा, ऐसे से भी देखिए तो आपके साथ मजाक कर देता था, आप क्यों नहीं करेंगे हैं। देखिए तो क्या बोला था हमने, ईएस फाइल, क्या ईएस फाइल, ये कॉन्सेप्ट क्या था कि ये स्टार्टिंग रहेगा तो उसके बाद का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जब सिंगुलर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बाबू वी फाइव का यूज होगा ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लेस, और लिखा है प्ले, इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन में गलती हुआ, क्लियर है ना है। और थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा, यही चीज़ रहता है, ईच ऑफ दिस बॉयज, ठीक है, ठीक है, ईच ऑफ दिस बॉयज, यहाँ पर कोई डायट दे देता या हु दे देता, कोई डब्ल्यू एच वर्ड दे देता, तो फिर इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बनता, तो ये प्ले सही हो जाता जब यहाँ पर ये रहता। लेकिन जब पहले से इस तरह से दिया हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, सिमिलर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, वी फाइव का यूज करते हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दीज ऑल मैंगोज, ये देखो उल्टा हो गया ना, क्या होना चाहिए था बाबू यहाँ पर, ऑल दीज मैंगोज आर राइप, क्लियर है ना, आसान है ना, ईजी है ना। चलिए आज देखिए बाबू समय की कमी की वजह से हम लोग 20 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।